हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मिस स्टार जून हो के घर पर एक रूम को चेक करने गई थी, और उसे वहाँ लॉय जंग देख लेता है। जून हो ली हुन को अपने बारे में याद करवाने के लिए उसका हाथ अपने पल्स पर रखता है, जिसमें हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। तो ली हुन को याद आता है कि यही जून यंग का सीक्रेट था जो उसने मुझे बचपन में बताया था। नाउ हम पास देखते हैं, जब ली हुन अपनी लिखी हुई बुक का इंटरव्यू दे रहा था और उसने मीडिया को बताया था कि एक पर्सन ने मुझे क्रिटिकल टाइम का कंसेप्ट समझाया था, और जैसा कि हमें पता है कि वो पर्सन जून यंग ही था। ली हुन ने इस इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो पर्सन आज भी जिंदा है तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारी कुछ बातें अधूरी हैं। पास्ट में जून हो ली हुन का इंटरव्यू देख रहा था और वो कहता है कि मैं तुम्हें अब याद आ रहा हूँ। प्रेजेंट में ली हुन अपने मन में कह रहा था कि मैं कोरिया वापस तुमसे ही मिलने आया हूँ और मुझे इसी पल का इंतजार था। जून हो अपने मन में ही इस बात का जवाब देता है कि हाँ, मुझे पता है ली हुन। दूसरी तरफ मिस स्टार लॉय जंग से कहती है कि मैं यहाँ जून हो से मिलने आई थी, पर वो यहाँ नहीं है तो मैं बाद में आती हूँ। मिस स्टार वहाँ से जाने लगती है, पर लॉय जंग उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि जब तक जून हो वापस नहीं आ जाता तुम यही उसका वेट करो। पर मिस स्टार कहती है कि मैं बाद में वापस आती हूँ। लॉय जंग उसे वॉर्न करता है कि जून हो जरूर पता कर लेगा कि तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या उठाया, और फिर वो मिस स्टार की तरफ आकर उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें हर्ट होने से और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाने से डर नहीं लगता। जून हो ली हुन से पूछता है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। ली हुन उसे कहता है कि पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि मैं बचपन में कैसा बच्चा था और मेरे फादर ने मुझे मॉन्स्टर क्यों कहा, पर अब मुझे इन सबका जवाब मिल चुका है, और अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा और मेरे भाई को अपने साथ क्यों ले गए और उसे अपने जैसा क्यों बना दिया, और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। जूनो से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। लीन कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं थैंकफुल नहीं हूँ, क्योंकि तुमने वो सब किया जो मैंने तुमसे करने को नहीं बोला था। जून हो को लॉयर जंग और केयर टेकर की बातें याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि जब भी तुम किसी का अच्छा सोचते हो तो तुम उनके लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हो। लीन कहता है कि अच्छा, तो तुमने ये सब मेरे लिए किया, तुम्हें लगा कि तुम मुझे बचा रहे हो जैसे तुमने बाकी बच्चों को बचाया। जून हो कहता है कि लीन तुम बहुत छोटे थे और मिन मेरी तरह ही एक मॉन्स्टर था, और अगर तुम उसके साथ रहते तो शायद तुम भी उसके जैसे बन जाते और एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। लीन उसे कहता है कि अगर मिन मेरे साथ रहता तो वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा होता। लॉयर जंग मिस स्टार को उसे फोटोस वापस करने को बोलता है, ये कहकर कि ये मेरा वन एंड लास्ट फेवर होगा तुम्हारे लिए। मिस स्टार उसे कहती है कि अपने भाई की खातिर मेरी और उसकी हेल्प करो जून यंग को पकड़ने में, और तुम्हें भी तो जून यंग से दूर जाना है ना। जून हो लीन से कहता है कि हमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे घर जाना है और मुझे पता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। लीन जून हो का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जून हो को गुस्सा आ जाता है और वो भी कहता है कि मैं आज और डिसअपॉइंट नहीं हो सकता, और मैंने सोचा था कि तुम समझ गए होगे, पर तुम और मैं बस। जून हो यही चुप हो जाता है और बिना अपनी बात पूरी किए वहां से चला जाता है। ली हुन जल्दी से मिस स्टार को कॉल करता है। मिस स्टार कॉल देकर कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लॉय जंग उसका हाथ पकड़ लेता है और मिस स्टार उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे जाने दो। लॉय जंग उसे दूसरे रास्ते से बाहर जाने को बोलता है और फिर वो क्रीपी सी स्माइल देता है। बाहर ली हुन मिस स्टार से पूछता है कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। मिस स्टार कहती है कि मुझे डर ही था कि कहीं जून हो उस कमरे को भी खत्म ना कर दे और फिर हमें कोई सबूत भी ना मिले। मिस चा उसे बच्चों की फोटोज दिखाती है। घर पर जून हो लॉय जंग को बताता है कि मिस चा उसे एक बच्चे की भी फोटो अपने साथ ले गई है, पर लॉय जंग उसे कहता है कि एक फोटो से वो क्या ही पता कर लेंगे। मिस चा ली हुन को बताती है कि जून हो के पास पूरी एल्बम है, बट मैं जल्दी में कुछ ही फोटोज इकट्ठा कर पाई। जून हो को जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाएगा, पर ये फोटोज बहुत ही जरूरी सबूत है, पर पता नहीं ये बच्चे कौन है और कहीं जून यंग ने इन बच्चों को भी मार तो नहीं दिया। लीहन उसे बताता है कि जून यंग ने इन बच्चों को बचाया था। तो अब मिस चा को जून यंग की स्टोरी से ये बात भी समझ आ जाती है कि जून यंग उन पेरेंट्स को मारता है जो अपने बच्चों को अब्यूज करते हैं। मिस चा कहती है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो लोग बुरे थे, पर ये फिर भी मर्डर्स हैं। लीहन मिस चा को दोबारा ऐसा करने से मना करता है और मिस चा उसे बताती है कि तुम्हारे भाई मिन
मतलब लॉयर जंग ने मुझे देख लिया था। घर पर लॉयर जंग जून हो को बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि लीह ने मुझे नहीं छोड़ा था, पर आपने मुझसे 20 साल तक झूठ क्यों बोला। जूनो से बताता है कि 20 साल पहले मुझे लगा था कि तुम नहीं उनके रास्ते में आओगे, और पहले तुम्हें अपने साथ ले जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, पर जब मैंने तुम्हें अपनी कार में देखा तो मुझे लगा कि शायद यही हमारी किस्मत है, और मैंने एक नज़र में ही तुम्हें पहचान लिया था। और मिन, तुम अपने भाई के एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, क्या वो तुमसे मिलकर सच में खुश है। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो पर एक दूसरे से बहुत अलग हो, और जो भी तुमने अब तक किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई इसे हैंडल कर पाएगा, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों के साथ रहने से इन फ्यूचर तुम्हारी हैप्पी एंडिंग होगी। लॉयजन कहता है कि वो हम देख लेंगे, पर एक बात तो पक्की है कि आपके और मेरे बीच में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, और आखिरी पर्सन जो मेरे हाथों से मरेगा वो इंसान आप होंगे अंकल। कांग अकेले बहुत ही उदास बैठा था अपने फादर की गलतियों की वजह से, जिससे मिस्टर बहुत ही हर्ट हुई है। कांग सनवू को भी वहाँ बुला लेता है। कांग को रोता हुआ देखकर सनवू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और उसे दिल खोलकर रोने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में कांग सनवू के कंधे पर सर रखकर रो रहा था। कांग सनवू को बताता है कि मैं घर से भाग आया हूँ, तो क्या तुम्हारे घर पर कोई रूम अवेलेबल है मेरे लिए। रात को ली ह्यून लॉय जंग के पास आता है और मिस चा की बातों को रिप्ले करता है। मिस चा ने उसे कहा था कि लॉय जंग और जून हो का रिश्ता शायद काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज लॉय जंग को अपने सामने देखकर मैं बहुत ही डर गई थी। ली ह्यून लॉय जंग के पास बैठकर जून हो की बातें भी सोचता है, जब उसने लॉय जंग को ईविल बोला था। तो ली ह्यून कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ और तुम जरूर चेंज हो जाओगे मिन। फिर ली ह्यून लॉय जंग के सर पर हाथ फेर कर स्माइल करता है, और लॉयर जंग ने ली ह्यून की सारी बातें सुन ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ली ह्यून लॉय जंग को बार बार उसकी मेडिसिन के बारे में याद करवा रहा था, तो लॉय जंग उसे कहता है कि तुम बचपन में भी मुझे और डैड को ऐसे ही सारी चीजें बार बार याद करवाते थे। ली ह्यून कहता है कि तुम भी सारा दिन मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते थे अपनी चीजों को ढूंढने के लिए। ली ह्यून लॉय जंग की टाई फिक्स करता है और उसे ऑफिस भी छोड़ने जाता है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक भी करने आऊंगा। तो अब छोटा भाई मिन अपने बड़े भाई के साथ बहुत ही खुश है। ऑफिस में कोई भी मिस चा से आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा था, तो मिस चा सबसे कहती है कि क्या मैं आज इतनी शाइन कर रही हूँ कि तुम में से कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा। और बस फिर सनवू का ड्रामा शुरू हो जाता है। कांग मिस चा को बताता है कि वो स्केलेटन तुम्हारे फादर का ही है, और उनकी डेथ उसी साल हुई थी जब जून यंग जेल से भाग गया था। कांग मिस चा को अकेले में अपने फादर के बारे में भी सब कुछ बताता है, और कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम मेरे फादर को माफ कर दो, क्योंकि मैं खुद उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो ऐसा होगा जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ, और मैं हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मिस्टर सबको बच्चों की फोटोज दिखाकर इनका पता लगाने को बोलती है। ली ह्यून लॉयर जंग को पिक करने जाता है, और लॉयर जंग अपना केस जीत गया था, और उसके साथ जो लड़का था वो लॉयर जंग का क्लाइंट था जिस पर मर्डर का इल्जाम लगा था। इस लड़के का नाम सियोंग है। लॉयर जंग ली ह्यून को प्रोफेसर कांग से मिलवाता है, जो विक्टिम के अंकल इन लॉ है। लॉयर जंग उसे बताता है कि विक्टिम के पेरेंट्स ने हमें बताया है कि प्रोफेसर कांग ने विक्टिम को अपनी बेटी की तरह पाला था। सियोंग प्रोफेसर कांग को घूरा था, तो प्रोफेसर कांग वहां से चले जाते हैं, और ये सब ली ह्यून नोटिस कर लेता है। पुलिस स्टेशन में ली ह्यून सनवू की पुलिस आईडी यूज करके इस केस की फाइल चेक करता है। विक्टिम का नाम मून था, और ली ह्यून को पता चलता है कि मून को मारा पीटा गया था। तभी उसे प्रोफेसर कांग की रिंग याद आती है, जो उनकी एज के आदमी के लिए काफी ऑड थी। ली ह्यून घर वापस आकर देखता है कि जून हो किचन में खाना बना रहा है, और जून हो उसे कहता है कि शेयर करने से खाना और भी टेस्टी हो जाता है। टेबल पर ली ह्यून लॉय जंग को बताता है कि तुम जिस केस को हैंडल कर रहे हो मैंने उसे आज स्टडी किया है, और उसमें कुछ अजीब सा है। कोर्ट में प्रोफेसर कांग सियोंग को देखकर गुस्सा करने की बजाय उसे डर रहे थे, और सियोंग की आंखों में भी गिल्ट की बजाय प्रोफेसर कांग के लिए गुस्सा था। प्रोफेसर कांग ने जो रिंग पहनी थी वो शायद विक्टिम मून की है, क्योंकि विक्टिम ने नेकलेस पहना हुआ था जिसका डिजाइन सेम रिंग जैसा ही है, और इसे पता चलता है कि रियल सस्पेक्ट प्रोफेसर कांग है। लॉयर जंग कहता है कि इस समय ये दोनों कहाँ होंगे। जूनो कहता है कि शायद एक साथ, और लॉयर जंग इस बात पर एग्री करता है। ली ह्यून साइड में जाकर सनवू को फोन करके बताता है कि शायद एक मर्डर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन टीम जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां पर सियोंग था और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। ली ह्यून वापस टेबल पर जाकर उनसे पूछता है कि क्या पिछले 20 सालों से तुम दोनों बस इन्हीं चीजों के बारे में बातें करते हो। लॉयर जंग कहता है कि हाँ, जब भी हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता तो बस हम ऐसी ही बातें करते हैं। ये सुनकर ली ह्यून डिसअपॉइंट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर गार्डन में जून हो
लियन को उसके फादर की डायरी वापस करता है। लियन उसे कहता है कि चाहे कोई पर्सन हो या फिर चीज, तुम्हारी हॉबी उन्हें चुराना ही है। लियन अपने फादर की डायरी रीड करता है जिसमें उन्होंने लियन को मॉन्स्टर बताया था। लियन कहता है कि अब शायद मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ और मैं मिन को चेंज करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करूंगा। उसे अकेले में बंद करने की बजाय उसे फेस टू फेस डील करूंगा। और लॉयर जंग अपने भाई को दूर खड़ा देख रहा था। ऑफिस में सनवो और जिमी मिस चा को बताते हैं कि शायद लियन के पास पावर्स है और उसे क्राइम का पहले ही पता चल जाता है और उसने हमें जैसा बताया था कल वैसा ही हुआ। मिस चा कांग को ढूंढते हुए सर्वेलेंस रूम में जाती है जहाँ कांग अकेला बैठा हुआ था। मिस चा उसे कहती है कि जून यंग को पकड़ने में मेरी हेल्प करो और मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एंड आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे ये सब बताया और प्लीज आप मेरे साथ काम करना फिर से स्टार्ट कर दीजिए। मिस चा उसे ये भी बता देती है कि जून हो ही जून यंग है। नेक्स्ट सीन में सनवो कांग को फोन करता है जो अपना फोन नहीं उठाता क्योंकि अभी भी वो उसी शॉक में था और वो याद करता है कि लास्ट टाइम उसने जून यंग के सामने ही पूछ लिया था कि जून यंग कौन है। लियन अपने फादर की डायरी में देखता है कि कुछ पेजेस मिसिंग है और नेक्स्ट पेज पर उन्होंने लिखा था कि उस दिन जो हुआ था क्या वो एक इंसिडेंट था या फिर लियन ने वो सब जानबूझकर किया। तभी उसे मिस चा की कॉल आती है जिसका नंबर उसने गेट लॉस्ट लिखकर सेव किया हुआ था। लियन मिस चा से मिलने जाता है जो उससे आज हुए मर्डर के बारे में बात करती है। वॉक करते करते लियन मिस चा का हाथ पकड़ लेता है और दोनों स्माइल करते हैं। मिस चा उसे ये भी बताती है कि मैंने कांग को जून यंग के बारे में बता दिया है और वो अभी भी शॉक में है। लियन हंसते हुए कहता है कि शॉक में तो उसे होना ही था क्योंकि उसने जून यंग के सामने ही पूछ लिया था कि जून यंग कौन है। घर पर लॉय जंग जून हो की बातें याद कर रहा था कि क्या लियन उसे मिलकर खुश है। तभी लियन वापस आकर उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालता है। लॉय जंग लियन को उसका पार्सल देता है और लियन उसे एक साथ बॉक्स खोलने को बोलता है। इस बॉक्स में बचे हुए 5 लेवेंडर बॉक्सेस थे। लियन उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुमने भेजे हैं इसीलिए मैंने इन्हें कभी खोल कर नहीं देखा। लियन उसे पूछता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है और लियन को खुद कुछ याद आता है। लॉय जंग उसे कहता है कि अब से मैं लोगों को नहीं मारूंगा अगर आप मुझे ऐसा करने से मना करोगे तो फिर क्या हमारी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लियन मन में सोचता है कि जो तुमने पास्ट में किया उसका हम क्या करेंगे। लॉय जंग की आंखों में आंसू थे और वो कहता है कि मुझे पता था कि अब ये पॉसिबल नहीं है पर लियन कहता है कि हमें इसे पॉसिबल करना होगा। जून हो अपने घर पर बच्चों की फोटोज वाली एल्बम देख रहा था और वो चोई की बातें याद करता है जिसने उसे बताया था कि इन्वेस्टिगेशन टीम उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और अगर उन बच्चों ने कुछ ऐसा बता दिया जो उन्हें नहीं बताना चाहिए तो आप क्या करोगे। पर जून हो को उन बच्चों पर विश्वास था तो वो कहता है कि कोई बात नहीं इसी बहाने मैं उन बच्चों से मिल लूंगा। घर पर मिस्टर सोच रही थी कि जिन बच्चों को जून यंग ने बचाया था क्या वो भी यही सोचते हैं कि उन्हें बचाया गया है। पर कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्हें जून यंग पर गुस्सा होगा और मैं उन बच्चों को ढूंढ कर ही रहूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लियन को आर डायरेक्टर का फोन आता है जिसे चोई की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। लियन लॉय जंग के साथ था तो वो अपने आर डायरेक्टर फ्रेंड को सनवो के पास भेज देता है। सनवो उसे एनवेलप ले लेता है और उसे लियन के डेस्क पर रख देता है जिसे चोई अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है और उसे चेक करता है। इसमें से चोई की बचपन वाली फोटो नीचे गिर जाती है जो बाहर से जिमी उठा लेता है। जिमी को याद आता है कि ये फोटो मिस चाक के पास थी तो वो दोबारा से उस फोटो को वहीं फेंक देता है और चोई धीरे से बाहर आकर उस फोटो को उठाकर वहां से बाहर आ जाता है पर जिमी ने उसे देख लिया था। बाहर सनवो और लियन के बीच मिसिंग एनवेलप को लेकर फाइट हो रही थी तो चोई लियन को एनवेलप वापस दे देता है ये कहकर कि शायद सनवो ने गलती से ये मेरे टेबल पर रख दिया था। पर लियन को उस पर शक हो जाता है। मिस चा ने जिमी को बताया था कि प्लानिंग ऑफिसर का सच में मर्डर हुआ है क्योंकि उनके पास जून यंग के फिंगरप्रिंट्स थे। जिमी मिस चा को बताता है कि प्लानिंग ऑफिसर ने मुझे एक काम दिया था और पास्ट में हम देखते हैं कि चोई के पूछने पर जिमी ने ये बात चोई को भी बता दी थी पर प्रेजेंट में जिमी मिस चा को चोई के बारे में कुछ नहीं बताता। लियन एनवेलप को चेक करता है जिसमें उसे बस चोई का रिज्यूमे मिलता है। जिमी चोई को रूफटॉप पर बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या ये सब आपने किया। चोई कुछ नहीं बोलता तो जिमी समझ आता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। लियन और सनवो चोई के बारे में पूछते हैं तो कांग उसे बताता है कि वो और जिमी शायद रूफटॉप पर गए। मिस चा उन्हें बताती है कि जिमी मुझे भी कुछ बताने वाला था पर वो चुप हो गया। लियन उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि चोई उन बच्चों में से एक है जिन्हें जून यंग ने बचाया था और उसने ही प्लानिंग ऑफिसर का मर्डर किया है तो सब जल्दी से रूफटॉप की तरफ भागते हैं जहां पर जिमी चोई को सरेंडर करने को बोल रहा था। फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है।
सारे टीम मेंबर्स इन दोनों को रोकते हैं और गन ली उनके पास पहुंच जाती है, जिसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं, जहां पर मिन की ड्राइंग्स वाली सभी चीजें थी और लीहन के हाथ में गन भी थी। पास्ट याद करते हुए लीहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सर घूमने लगता है। मिस चार लीहन को संभालती है पर वो बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Someone else I'm with.